घर के अंदर अभी तक तीन कंटेस्टेंट्स को उनकी मेमोरी सिखा दी गई है और उनमें से किस कंटेस्टेंट को अपनी कौन सी मेमोरी घर के बाहर देकर नहीं जानी है वो भी वो बता चुके हैं। जैसे निशांत जब आए थे उन्होंने राकेश की मेमोरी को घर के बाहर ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी घर के अंदर काफी ज्यादा कहासुनी हुई, बहसबाजी हुई और निशांत ने राकेश का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो ये शमिता जब दूसरे नंबर पाए तो उन्होंने दिव्या की मेमोरी को घर के बाहर ले जाने के लिए कहा तो वही राकेश के साथ उनकी जो भी लड़ाई झगड़े हुए, जो भी उनकी कहासुनी हुई उसको वहीं पर शेयर करके उस बात को वहीं पर खत्म करने का फैसला लिया। तो वही जब तीसरे नंबर प्रतीक से एच पाया तो उन्हें निशांत और नेहा दोनों की जर्नी दिखाई गई, दोनों के साथ किस तरीके से प्रतीक ने टाइम स्पेंड किया इस बारे में बताया गया, जिसको देखकर प्रतीक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, काफी ज्यादा सोच में पड़ चुके थे कि वो किसकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करें और किसे इस घर से बाहर जाकर भूल जाए या फिर जिसकी मेमोरी को वो घर के अंदर ही भूलना चाहते हैं उसको करें। लेकिन उन्होंने आखिर में फैसला लिया और नेहा की फोटो को, नेहा की मेमोरी को बचाते हुए निशांत की मेमोरी को शेड कर दिया। भैया वो चौथे नंबर पे आए राकेश बापट और राकेश बापट का डिसीजन कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके का था जिसको सुनकर आप भी काफी ज्यादा चौंकने वाले। दरअसल जब राकेश बापट आते हैं तो उन्हें दिव्या अग्रवाल के साथ उनके काफी ज्यादा इमोशनल पलों को दिखाया जाता है तो वहीं उनके साथ बिताए हुए शमिता के क्यूट और रोमांटिक पल भी दिखाए जाते हैं। जिसके बाद उन्हें दो चॉइसेस दी जाती हैं कि वो दिव्या अग्रवाल की जो मेमोरीज हैं उसको घर के अंदर ही दफन कर दें या फिर शमिता के साथ बिताए हुए पलों को घर के अंदर ही खत्म करके बाहर एक और स्टार्टिंग करें। इस वजह से राकेश बापट दिव्या की बिताए दिव्या के साथ बिताए हुए पलों को उठाते हैं और श्रेडर में डाल देते हैं। लेकिन श्रेडर में डालने से पहले राकेश बापट दिव्या की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और वो तारीफ करते हुए ये तक कह देते हैं कि दिव्या जैसी दोस्त उसकी घर के अंदर ना कभी थी और ना ही कभी हो सकती है। इस बात को सुनकर जहां दिव्या अग्रवाल काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी तो वही राकेश बापट की आंखें भी दिव्या अपनी जर्नी को देखकर काफी ज्यादा नम हो चुकी थी। वही आपके हिसाब से राकेश बापट को शमिता की मेमोरीज को शेयर करना चाहिए था या फिर राकेश को दिव्या की मेमोरीज को ही शेयर करना था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरीके की बिग बॉस ओटीटी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटें।